बहुत सुंदर लग रही हो प्रिया। थैंक यू सो मच। कितनी प्रेटी साड़ी है। थैंक्स। प्रिया तुम्हारी चॉइस सबसे अलग है, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्यों नहीं। प्रिया साड़ी तो अच्छी है, लेकिन ये कलर तुम्हारे पे इतना सूट नहीं करता। अपनी चॉइस देखी है, कोई ड्रेसिंग सेंस है? फ्री में भी मिले ना तो भी मैं ये ड्रेस ना पहनूं जो तुमने पहनी है। प्रिया का मन तो एक मिनट में खुश, एक मिनट में नाराज हो गया। अमित, ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है पिछले एक महीने से। आई रियली नीड अ ब्रेक। अभी 3 महीने पहले ही हॉलीडे पर गए थे, तुम्हें तो पता है कितना खर्चा हुआ था। हम इतना कमाते क्यों हैं? मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई शोर ना हो, मुझे शांति चाहिए, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। कितने भोले हैं दोनों, ऑफिस से परेशान, इनका मन शांति के लिए कहीं दूर जाना चाहता है। क्या हुआ आरती, इतनी उदास क्यों हो? मैंने कल रात जो फोटो पोस्ट की थी उस पर सिर्फ 5 लोगों ने लाइक किया, मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्या आपका मन भी आरती की तरह लोगों से प्यार और सम्मान की इच्छा रखता है? सारा दिन इस घर के लिए मेहनत करो लेकिन 2 रोटी चैन से खाने को नहीं मिलती। क्या हुआ, खाना ठीक नहीं था क्या? जेल का खाना भी इससे अच्छा होगा। सब्जी कच्ची थी, दाल में नमक नहीं और रोटी जली हुई। सारी दुश्मनी मेरे खाने पर ही निकालती हो। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सुबह जल्दी उठकर खाना बनाया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मम्मी अपना मूड ठीक करो जल्दी, चलो मुझे होमवर्क कराओ। मूड जिसने खराब किया है वही ठीक करेंगे। चलिए बाप भी जरा अपने मन को चेक कर लीजिए। किसी के एक शब्द से खुश और किसी की बातों से नाराज, किसी के व्यवहार से शांत और किसी के बर्ताव से परेशान। कभी महसूस करते हैं मान और कभी हो जाता है अपमान। आपने अपने मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों को दिया हुआ है? सच तो ये है, लोग चिल्ला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं, वो उनकी पावर है। लेकिन वो आपके मन में घुसकर आपको उदास, परेशान, नाराज नहीं कर सकते। आपके मन का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। आप अपने मन के मालिक हैं। खुश होना है या रोना, बातों को पकड़ कर रखना या छोड़ देना, ये आपकी चॉइस है। अपनी चॉइस और पावर को यूज कीजिए। याद रखिए, मन जीते जग जीते।